मथुरा के जमुना पार स्थित नगर निगम की डंपिंग यार्ड को हटाने को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन मानस ने भी भाग लिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। जबकि इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डंपिंग यार्ड में लगातार आग जल रही है, जिससे जहरीली गैस फैल रही है और उससे आम जनमानस में लगातार बीमारियां फैल रही हैं, जबकि कई बार जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, मेयर तथा सरकार को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया और एनजीटी में भी रिट दायर की गई, जिस उपरांत एनजीटी के जज द्वारा यहां का स्थलीय निरीक्षण कर इस डंपिंग यार्ड को तत्काल हटाने तथा जहरीली गैस को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को आदेशित किया गया। क्योंकि एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कूड़े का डंपिंग यार्ड आबादी से 10 किलोमीटर की दूरी में बनाया जाएगा, लेकिन नगर निगम द्वारा 50,000 की आबादी वाला लक्ष्मी नगर स्थित बीच में डंपिंग यार्ड, जो कि लगभग 3-4 मंजिल ऊंचा हो और उसमें लगातार आग जल रही है और जहरीला धुआं फैल गया है, जिससे तमाम लोगों को टीवी जैसे गंभीर बीमारियां, ट्यूमर, आंखों की बीमारी तथा तमाम तरह की बीमारियां फैल गई हैं। लेकिन यह भाजपा सरकार जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, यहां लोगों को बीमारी दी जा रही है। इसी को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में आगे की रणनीति की योजना बनाई गई। अगर 15 दिन में जिला प्रशासन द्वारा यह डंपिंग यार्ड बंद नहीं किया गया तो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस पंचायत में समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता मौजूद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथ उठाओ तो जोड़ते। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज महापंचायत का आयोजन किस लिए किया जा रहा है, क्यों इकट्ठे हुए हम लोग? जमुना पार लक्ष्मी नगर में जो डंपिंग ग्राउंड है, लगातार उसमें आग जल रही है, लगातार प्रदूषण फैल रहा है, लगातार जहरीली हवा चल रही है, जिससे यहाँ रहने वाली 50,000 की आबादी पूरी तरह प्रताड़ित है। लगातार लोगों में टीवी की बीमारी फैल रही है, लगातार लोगों में दमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, आंखों की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें कूड़े के ढेर को, डंपिंग ग्राउंड को बड़ा ऊंचा किया जा रहा है, जबकि एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए और डंपिंग ग्राउंड आबादी से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन जिला प्रशासन ना तो न्यायालय के आज्ञा का पालन कर रहा है, ना प्रशासन निरंकुश है इस समय, और सरकार बिल्कुल ही गरीबों का हित में काम कर रही है। लगातार धुआं फैल रहा है, आग जल रही है, हमने परसों लाइव भी दिखाया था, पूरी तरह प्रदूषित है। हम लोग यहाँ 2 घंटे नहीं बैठ सकते, जनमानस किस तरीके से 50,000 लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन को लगातार चेतावनी के बावजूद भी लगातार कूड़ा डालना जारी है और लोगों को गुमराह करने के लिए उस पर ट्रैक्टर चढ़ा के मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि गरीबी नहीं, देश से गरीबी को हटा देना चाहती है। इसीलिए आज दूसरी बार हम यहाँ बैठे हैं और 15 दिन के अंदर अगर जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्मी नगर नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड, कूड़े के जो मैदान, इसको नहीं हटाया गया या इसको नहीं बंद किया गया, तो हम लोग डंपिंग ग्राउंड को तालाबंदी करने का काम करेंगे, जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे और हम लोगों को प्रशासन, अगर कोई भी जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध होंगे, इसीलिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि तत्काल जिला प्रशासन जनहित में इसको बंद करने का काम करे, एनजीटी के आदेश का पालन करने का पालन करने का काम करे। एनजीटी के जज ने आकर के यहाँ बाकायदा मुआयना किया और इन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद भी प्रशासन लगातार हमको गुमराह कर रहा है। आज हम आम जनमानस में बीमारी फैल गई है, इसीलिए हम सब लोग लगातार आम जनता के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी पूर्ण से आम जनता और गरीब के साथ है। अगर डंपिंग ग्राउंड हटाने का काम नहीं किया तो समाजवादी पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में मुद्दे को उठाने का काम करेगी और ये डंपिंग ग्राउंड को जब तक नहीं हट जाता है, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और जब तक ये लोग सुखी नहीं रहेंगे, आम जब तक जनता सुखी नहीं रहती है तो राजा को सुखी नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो राजा इस तरीके के बैठा है, देहाती में एक कहावत है कि जिसकी ना फटे बेबाई, भूखा जाने पीर पराई। ना तो बाबा की कोई औलाद है, ना माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई औलाद है, इसलिए वो औलाद का दर्द नहीं जानते हैं। 300-350 रुपए मजदूरी करने वाला व्यक्ति इस हवा से प्रताड़ित होकर अपने बच्चों का भोजन पेट पालेगा या बीमारी का इलाज कराएगा? इसलिए लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे और डंपिंग ग्राउंड को हटाने का काम करेंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।